लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर पिहवारा पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह के द्वारा मध्य विद्यालय पिहवारा परिसर में समारोह पूर्वक गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा शामिल हुई, जहां करीब 200 महिलाओं के बीच वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिट्टू मिश्रा ने कहा कि आज सामाजिक क्षेत्र में लोगों का योगदान सराहनीय है। जिस तरह गरीब महिलाओं के बीच दीपक सिंह द्वारा साड़ी का वितरण कर छठ पर्व में उपहार दिया गया है, निश्चित ही यह कार्य सराहनीय और अनुकरणीय है। गरीब के हित में हम सभी को एकजुट होकर खड़ा रहना होगा, तब जाकर सामाजिक उत्थान हो पाएगा। वहीं दीपक सिंह ने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर हर वर्ष महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण करते हैं, ताकि इस महान पर्व में कोई गरीबी की वजह से अपने आप को वंचित और अपेक्षित ना समझे। सामाजिक सहायता में हम सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि समाज से गरीबी को खत्म किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन सरपंच बलराम झा ने किया। मौके पर समाज सेवी सह भाजपा नेता निखिल झा, प्रधान अध्यापक संजय कुमार सुमन, सतीश कुशवाहा, चंदन कुमार, अमित कुमार एवं कमलेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम था आज? हर साल की तरह इस साल भी जो है सो छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हम छठ में जो है सो अपने पंचायत क्षेत्र में जो समिति का हमारा क्षेत्र पिवाड़ा पंचायत, उसमें हम विडो महिला जो है स्मार्ट महिला प्रयास रहता है जहाँ तहाँ कुछ छोटी छोटी काम करे और सहायता दे, तो प्रयास करके हम हर छठ में जो है साड़ी का वितरण करें जो असहाय है उन लोगों के बीच। हाँ, सबों के लिए, सबों के लिए। लगभग कितना महिलाओं के बीच वितरण किया है? 200 का लिस्ट हमारे पास है, 200 का, 160 था। अच्छा, इस बार 200 ज्यादा बढ़ गया है। हर बार छठ के उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम होता है, होता रहता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, हम पिवाड़ा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य। बताओ, ये साड़ी वितरण मेले या किनका द्वारा दिया गया साड़ी? दीपक जी देगा, इस साल देगा कि हर बेल दे है? हर साल दे है, छठ के उपलक्ष्य पर देगा। ये साड़ी वितरण ककरा द्वारा कैल गई? दीपक जी द्वारा कैल गई। कई उपलक्ष्य पर देगा छठ के लेल? हर साल दे या कि बेर आरो देने रहे? हाँ, अगला साल आरो देने रहे, एक बेर देने रहे, एक बेर देला का फिर। घर कता भेल अहाँ के? पीवरे घर भेल। बताइए, आज छठ के उपलक्ष्य पे महिलाओं के भी साड़ी वितरण किया गया है, क्या मतलब लग रहा है, इस तरह के कार्यों को कैसे सराहा जाएगा? सबसे पहले छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आप सभी को, और साथ में जितने लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को। ये बहुत अच्छा मैसेज है जी। दूसरा, जनप्रतिनिधि भी इस तरह की सोच रखे, मैं चाह रखता हूँ। यहाँ जब देखे होंगे कि साड़ी वितरण हो रहा था, ये साड़ी वितरण नहीं थी, ये जन समर्थन था, एक आशीर्वाद था दीपक सिंह के प्रति लोगों का जी। और 100 समय इतने लोगों पहुंचे थे या 200 प्लस लोगों को साड़ी वितरण किया गया है दीपक सिंह के द्वारा। बार बार ये साड़ी वितरण ही नहीं, समय पे जैसे बाढ़ से सड़क टूटता है तो उसमें अपने निजी फंड से मटरेबुल कराते हैं, सड़क को छछरी बनवाते हैं, या फिर ठंडी आ रही है तो जलावन, जब ज़्यादा कुहासा लगता है उस समय में जलावन वितरण करके चौक चौराहे पे घूर लगवाते हैं, कंबल वितरण करवाते हैं, पर्व त्योहारों पे साड़ी कपड़ा की वितरण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आज, अच्छा आज, आज कितना महिलाओं के बीच वितरण किया? 200 प्लस लोगों को ये देना था, लेकिन कुछ लोग यहाँ नहीं पहुँचे थे, उनको घर तक ये सामान पहुँच जाएगा कार्यकर्ता के द्वारा। दीपक सिंह ने खुले मन से ये बताया कि जिन लोगों का नाम हमने पहले से छोनोट करके रखे थे, घर घर जाके अपने क्षेत्र में पिहवारा क्षेत्र नंबर 12 में ये घर घर पहुंचे थे, और वहां जाके सभी लोगों से ये पूछे थे कि जिनको ये चाहिए था उनसे लिस्ट लेके आए थे, 200 प्लस लोगों का नाम था, कुछ लोगों का नहीं मिला है, उनके घर तक वो सामान पहुंच जाए। आपका परिचय? बलराम कुमार का, सरपंच मधुबापुर, सरपंच पंच संघ अध्यक्ष मधुबा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।